अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज का टॉपिक स्पोर्ट्स के बारे में होने जा रहा है, और जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है वर्ल्ड कप का। और आपको इंशाल्लाह वर्ल्ड कप का हर अपडेट मिलेगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं बहुत ही सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहता हूँ। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें जो हमारे पहले मैच है पाकिस्तान का, वो है इंडिया के साथ। और इसमें आपको पता है कि हमारा जो मैच होता है वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का होता है, क्योंकि हर बंदा ये चाहता है कि यार मैच देखें हम और सब काम छोड़े। सो यार, ये टॉपिक बड़ा बेहतरीन होने जा रहा है, क्योंकि हम डिसाइड करेंगे कि इंडिया का टीम स्ट्रॉन्ग है या पाकिस्तान का टीम स्ट्रॉन्ग है। तो यार, इसके बारे में बात करें। जो साथी चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे टीम के लाइनअप के बारे में, पहले तो हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया की टीम, आप लोग को पता होना चाहिए कि सिलेक्शन भी अच्छी है, और टीम में जो प्लेयर्स है वो भी काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, वर्ल्ड वाइड नंबर वन प्लेयर है सारे। और जो यहाँ हमारे पाकिस्तान की टीम की बात करें, तो मेरे हिसाब से कहना चाहिए कि टीम अच्छी है, और लेकिन जो हमारे सिलेक्शन के हिसाब किताब है, हमारे जैसे सिलेक्शन भी अच्छी है, बट सिलेक्शन कमेटी में जो थोड़े बहुत प्लेयर हैं, मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ पाकिस्तान टीम को, लेकिन मैं सिर्फ टीम सिलेक्शन की बात करूँ कि टीम अच्छी है, लेकिन नॉर्मल है, इंडिया से स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। क्योंकि मैं ना इंडिया को सपोर्ट करना चाह रहा हूँ ना पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान को मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारी सारी दुआएं पाकिस्तान के साथ होती है, क्योंकि सबसे पहले हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते, पाकिस्तान में रहते। और पाकिस्तान की टीम में थोड़े चेंजेस होने चाहिए थे, शर्जील खान को लाना चाहिए था, ठीक है, और शुएब मलिक आ गया, ये अच्छी बात है। लेकिन जो मैच में कंपैरिजन होगा हमारा, कि यार 50-50 होगा, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों मुल्क ऐसे मुल्क के कोई कुछ कह नहीं सकते। इस वजह से देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों बराबर की टीमें होगी, या इंडिया की अच्छी है पाकिस्तान की अच्छी है, वो लोग तो आप लोग कमेंट में बता दो कि यार कौन जीतेगी कौन हारेगी। लेकिन अपनी अपनी राय ज़रूर देना कि पाकिस्तान टीम में किसको खेलना चाहिए था, किसको नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि देखिए हर बंदे का हक है, वो बोलना चाहिए उनको कि कौन किसको खेलना चाहिए या किसको खेलना नहीं चाहिए। लेकिन टीम तो सिलेक्शन ही सेलेक्ट करती है, जैसे सिलेक्शन कमेटी में लोग होते हैं वो ही सेलेक्ट करते हैं। चले देखते हैं कौन जीतता है, संडे को मैच है, ठीक है, 7 बजे रात को। और इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि पाकिस्तान टीम जीत जाए, आगे वर्ल्ड कप भी जीत जाए। और इंडिया, वैसे देखा जाए तो इंडिया काफ़ी वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, और T20 वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है, और इंशाल्लाह मेरी दुआएं कि यार पाकिस्तान जीत जाए, क्योंकि भाई हमारा मुल्क है, सबसे पहले हम सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन मेरे हिसाब से थोड़ी लूज़ है, और टीम स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, और पता नहीं कहाँ कहाँ से प्लेयर ला के खिला रहे, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यार आप भी बताएं हमें, तो कमेंट्स में बताएं, अपनी राय ज़रूर बताएं, और इंशाल्लाह मैं हर मैच से पहले अपडेट देता रहूँगा आप लोग को, और इससे ज़्यादा सनसनीखेज अपडेट देता रहूँगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो यार चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।